Good morning, dear students. I hope all of you are fine. In my previous video, we have already discussed about the chapter 3, Salutation to the Nation. In today's video, we will discuss about the question answers. So the first question is, who is known as Shaheed-e-Azam? Bhagat Singh is known as Shaheed-e-Azam. Second question is, name three patriots who sacrificed their lives for the freedom of their motherland same day at Lahore. Answer hai Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were the three patriots who sacrificed their lives for the freedom of their motherland same day at Lahore. Question number three is, Bhagat Singh said one revolutionary is meeting another revolutionary. Who was the other revolutionary? Bhagat Singh ne kaha ki ek krantikari dusre krantikari se mil raha hai. To wo jo dusra krantikari hai wo kaun hai jisse Bhagat Singh ye baat keh rahe hain? द अदर रिवॉल्यूशनरी वॉज लेनिन. यहाँ पे जो अदर रिवॉल्यूशनरी है वो कौन था? लेनिन, हुज बायोग्राफी भगत सिंह वॉज रीडिंग. जिसकी बायोग्राफी को कौन रीड कर रहा था, कौन देख रहा था? भगत सिंह. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट स्लोगन्स वर रेस्ड बाय थ्री रिवॉल्यूशनरीज. वो क्या क्या स्लोगन्स थे जो तीनों रिवॉल्यूशनरीज ने या तीनों क्रांतिकारियों ने क्या कर रहे थे, उठाए थे? तो वो ये थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. What did the Britishers do with the bodies of the three revolutionaries? और Britishers ने तीनों जो क्रांतिकारी थे उनकी जो bodies थी, dead bodies थी, उनके साथ क्या किया था? Answer है, the Britishers mercilessly chopped off the bodies of the three revolutionaries. जो Britishers थे उन्होंने उनकी जो bodies थी उन्हें बुरी तरीके के काट के क्या है, filled them in sacks, उन्हें बोरों में भर दिया था, and carried them टू द बैंक ऑफ रिवर सतलज, और उन्हें उठा के रिवर सतलज तक ले गए थे. बैंक मतलब उसके किनारे तक ले गए थे फिरोजपुर में. केरोसिन वॉज स्पिल्ड ओवर देम एंड सेट अ ब्लेज इन द मोस्ट क्रूरल मैनर. उन और जिन बोरियों में उनकी बॉडी को भर के ले गए थे वो लोग, उसको सतलज नदी के किनारे वो लोग ले गए, वहाँ ले जाके उन्होंने उस पर केरोसिन डाला और सेट अ ब्लेज मतलब उसमें बहुत ही क्रूरता से उन्होंने उसमें आग लगा दी. What did Mahatma Gandhi say on the death of Bhagat Singh? अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की डेथ पर क्या बोला था. तो महात्मा गांधी ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह सेट, महात्मा गांधी ने ये कहा था, इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम. जो भगत सिंह राजदेव और सुख भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी उसने हमारा आज़ादी प्राप्त करने के जज्बे को क्या है और बढ़ा दिया है. फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाई. और इसी कॉज को पूरा करने के लिए भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स मतलब जो उनके दो साथी थे वो क्या है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा दिया था. व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर. भगत सिंह ने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर से क्या कहा था? भगत सिंह सेड टू द डेप्यूटी कमिश्नर दैट ही वॉज फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस डेथ विथ प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडल. यहाँ पे डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ लाहौर से उनने ये कहा था कि ये जो तीन जवान हमारे लिए शहीद हुए ये उनकी सबसे बड़ी शहादत है जो उन्होंने अपने देश के लिए खुद को क्या कर दिया है, कुर्बान कर दिया है. और खुद को कुर्बान करके वो सब क्या हो गए हैं, अमर हो गए. ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स थे 1 से लेके 7 तक ये थे. आंसर द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेंसेस. अब जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ये आपको 3 या 4 सेंटेंसेस में इसका क्या करना है, जवाब देना है. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं, साथ ही इनको याद भी करते हुए चलना है. पहला क्वेश्चन है, What did the three revolutionaries do while going towards the place of execution? तीनों revolutionary क्या कर रहे थे जब वो place of execution मतलब जब उन्हें उस जगह पे जहाँ पे फांसी दी जाने वाली थी जब लेके जाया जा रहा था तब वो क्या कर रहे थे? तो the three revolutionaries sang patriotic songs and moved towards the place of execution. जब उन्हें फांसी दिलाने के लिए ले जाया जा रहा था तब वो तीनों क्या देशभक्ति के गाने गा रहे थे. Place of execution steadily and stood boldly. और वहाँ जाके वो एकदम कैसे सीना तान के सीना चौड़ा करके खड़े हुए, फक्र के साथ खड़े हुए. They raised the slogan. और वहाँ जाके वो उन्होंने एक स्लोगन भी रेज किया, इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये स्लोगन उन्होंने वहाँ पे जाके जहाँ पे उन्हें फांसी दी जाने वाली थी वहाँ पे जाके उन्होंने क्या करा, ज़ोर ज़ोर से बोले. Describe how the three revolutionaries embraced death for the cause of India's freedom. अब हमें यहाँ पर ये बताना है उन तीनों को जब मौत दी गई तो उन्होंने उस मौत को कैसे गले लगाया. The three revolutionaries
रिफ्यूज़ टू गेट एग्जीक्यूटेड देयर फेस कवर्स। जब उन तीनों को फांसी दी जा रही थी तो उन तीनों ने मना कर दिया था कि वो अपने चेहरे पे जो एक काला नकाब या काला कपड़ा डाला जाता है वो नहीं डालेंगे। वियर द गेट एंड गेट हैंडकफ, ना वो कैप पहनेंगे और ना ही वो अपने हाथ का पीछे की तरफ बनवाएंगे। दे वॉकड अलॉन्ग सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग इन अ जुवेनाइल मोड। वो जब फांसी के तख्ते तक चल के जा रहे थे उस टाइम पे वो देशभक्ति के गाने गा रहे थे और बहुत ही खुश मिजाजी मूड में थे। दे रेज्ड द स्लोगन, और उस टाइम पे उन्होंने स्लोगन्स मतलब जो हम नारे लगाते हैं उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लाउडली पुल्ड द हैंगमैन्स रोप। इसके बाद जैसे ही उन्होंने ये बोला उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। किस डिट एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स, उन्होंने जो फांसी जिससे लगती है जिस रोप से लगती है उसको किस किया, उसे अपने गले में डाला। एंड उन्होंने डेथ को बोल्डली मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है हिम्मत के साथ फेस किया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड भगत सिंह पेरेंट्स रिएक्ट एट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन। भगत सिंह के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बेटे की मौत पे जब उसे मौत दी जा रही थी तो कैसा रिएक्ट किया। भगत सिंह पेरेंट्स रिएक्टेड बोल्डली एट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन। जब उनके प्यारे बच्चे को फांसी दी जा रही थी तब उन्होंने कितना बहुत ही हिम्मत के साथ काम किया। हिज फादर सरदार किशन सिंह ड्रोव अवे द क्राउड फ्रॉम द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। उनके जो पिता थे सरदार किशन सिंह उन्होंने सारा जो क्राउड था या भीड़ था उसका ध्यान फांसी से हटाने के लिए क्या किया, वो उनको उनके सामने स्पीच देने लगे। एंड विद अ फ्यू पीपल टू फेच हिज डेड बॉडी ड्रोव अवे द क्राउड फ्रॉम द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन वेंट अलोन विद अ फ्यू पीपल। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ से थोड़े बहुत लोगों को लेके उनकी डेड बॉडी लेने चले गए। उन्होंने ज़्यादा लोगों की भीड़ को वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनोसेंट लोग मरे इस रिवॉल्ट के कारण। वॉट डिड सरदार किशन सिंह डू टू अवॉइड एनी अनटॉवर्ड इंसिडेंट। और सरदार किशन सिंह ने क्या किया था कि वहाँ पर अनटॉवर्ड इंसिडेंट का मतलब है वहाँ कोई हादसा ना हो तो उस हादसे को टाल करने के लिए क्या किया था। सरदार आंसर है, सरदार किशन सिंह ड्रोव अवे द क्राउड फ्रॉम द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन टू अवॉइड एनी अनटॉवर्ड इंसिडेंट। सरदार किशन सिंह ने क्राउड का ध्यान वहाँ से हटाने के लिए और कोई हादसा ना हो उसके लिए क्या किया, ही ऑल्सो वेंट टू फेच हिज सन्स बॉडी ओनली विद अ फ्यू पीपल। वो वहाँ से कुछ लोगों को लेके चलेगा ताकि उन्हें अपने बच्चे की बॉडी क्या है वापस मिल जाए। वॉट डिड द विलेज पीपल डू वेन दे हर्ड द न्यूज़ ऑफ भगत सिंह एग्जीक्यूशन। जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी उस फांसी के दे जाने के बाद जो उनके गाँव के लोगों ने इस न्यूज़ को सुना तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था। वेन द Village people heard the Bhagat Singh's dead body has been chopped and burned into heartless manners by the Britishers. They reached the place in the neighboring villages with the torches. जब भगत सिंह के गांव के लोगों ने सुना कि भगत सिंह को फांसी दे जाने के बाद उनकी जो शरीर थे उस उनका जो मृत शरीर था उसके टुकड़े टुकड़े करके उनको बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया गया था। किसने जलाया था, ब्रिटिशर्स ने। तो वो आसपास के गांव में टॉर्च या मशाले लेके पहुंच गए थे। द इंग्लिश ऑफिशर्स थ्रू द शेड्स ऑफ द बॉडीज इन द रिवर एंड रैन अवे। और भगत सिंह की बॉडी को और उनके साथ जो दो और लोग थे उनके राजगुरु और सुखदेव उनकी बॉडी को जलाने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनकी बॉडी के जो रिमेनिंग हिस्से थे नहीं जले थे उनको सतलज नदी में फेंक दिया था। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड द शेड्स ऑफ द हाफ बर्न बॉडीज। क्योंकि अधजली लाशें थी तो गाँव वालों ने उन्हीं अधजली लाशों को उठाया रिवर में से और उनके लास्ट राइट्स मतलब जो अंतिम क्रियाकर्म होता है वो उन्होंने पूरे डिवोशन के साथ क्या किया, परफॉर्म किया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट टू शहीद आज़म। उन्होंने शहीद आज़म को कैसे श्रद्धांजलि दी। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। महात्मा गांधी इन हिज ट्रिब्यूट टू भगत सिंह सेड। महात्मा गांधी ने अपने ट्रिब्यूट में भगत सिंह से कहा था, इट हैज़ इंक्रीज्ड अवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डेड। इसने हमारा आज़ादी के जुनून को या देश को आज़ादी प्राप्त कराने के जुनून को और बढ़ा दिया है क्योंकि इन लोगों ने अपनी जान आज़ादी के लिए दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, देयर मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया। इन लोगों ने जो अपनी जान गंवा के एक सबके बीच क्या है एक एग्जाम्पल सेट किया है ये कि हमारे यूथ को इंस्पायर किया इन्होंने कि हम देश को किसी भी हाल में आज़ादी दिलानी चाहिए। We got the freedom after a lot of struggle and many sacrifices.
वॉट शुड वी डू टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ अवर नेशन. हमें जो आज ये आज़ादी मिली है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद और बहुत ही ज़्यादा क्या है स्ट्रगल करने के बाद मिली है, और हम इसी आज़ादी को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. इसका आंसर है वी हैव नॉट गॉट फ्रीडम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रीफाइस. वी शुड मेंटेन इट बाय सर्विंग अवर कंट्री एंड बींग ऑनेस्ट इन अवर डी. ये हम कब कर सकते हैं, अगर हमें आगे भी अपनी आज़ादी को बरकरार रखना है तो हमें हमारे देश के लिए काम करना चाहिए और बिल्कुल ईमानदार होकर काम करना चाहिए. बाई बींग गुड सिटीजन्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इट्स प्रोग्रेस वी कैन रिमेन इंडिपेंडेंट. अगर हम हमारे देश को आज़ाद बढ़ाने वो आगे बढ़ाने में एज अ सिटीज़न या किसी भी तरीके से हम एक अच्छे नागरिक हों, हम देश को आगे बढ़ाएं तो हम और इंडिपेंडेंट रहें, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, हमारे देश को आगे बढ़ा सकेंगे. अब कुछ चूज़ द करेक्ट आंसर्स हैं एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको चूज़ करना है चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है. राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज टू गो टू द गैलोस, गेट देयर हैंड कवर्ड, बी हैंग, टू कम आउट ऑफ देयर सेल्स. इसका आंसर है गेट देयर हैंड फेसेस कवर्ड. भगत सेकेंड है भगत सिंह कॉल्ड द मजिस्ट्रेट. पहला ऑप्शन है अनफॉर्चुनेट, सेकेंड ऑप्शन है फॉर्चुनेट, थर्ड है लक्की, फोर्थ अनलक्की. इसका आंसर है फॉर्चुनेट. द ब्रिटिशर्स टुक द डेड बॉडीज ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज टू द बैंक ऑफ रिवर. पहला ऑप्शन है सतलज, दूसरा गंगा, तीसरा यमुना, फोर्थ है नर्मदा. आंसर है इसका सतलज. बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस टू हिज मदरलैंड भगत सिंह बिकेम अ सिंबल ऑफ. पहला है प्रोग्रेस, दूसरा लव, तीसरा पेट्रियोटिज्म, फोर्थ काइंडनेस. इसका आंसर है थर्ड पेट्रियोटिज्म. बच्चों आई होप आप सब लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं. इन जो भी चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री जिनके क्वेश्चन आंसर्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन्हें प्लीज़ अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिए और उन्हें याद भी कीजिए. थैंक यू.